सकते हैं एक दूसरे से। तो सर अगर आप उस तरह रहे हैं तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे सामने वाले से? ओके, मतलब आप कह रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। अरे बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन पूछा है, सीरियसली बजा दो। आराम से, थैंक यू सो मच, आपने एक क्वेश्चन पूछा, ज़्यादा देर नहीं बता पाऊंगा पर मैं इस पर 3 घंटे बोल सकता हूँ, ट्रस्ट मी, इस टॉपिक पर। ओके, बिकॉज मैं जब भी किसी से कॉन्वर्सेशन करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी तारीफ कर रहा हूँ मैं, बट यस मेरा कॉन्वर्सेशन हमेशा हेल्दी होता है। दो तरह की कॉन्वर्सेशन होते हैं, करता है अनहेल्दी पर एक हेल्दी। आप अपना बोल रहे हो, अपना बोल रहे हो, अपना काम कर रहा हूँ। तो इनका क्वेश्चन है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप कुछ बोल रहे हैं जो गर्लफ्रेंड है उनकी, क्या नाम है आपका? सो अगर आप कुछ बोल रहे हो और मैं कुछ बोल रहा हूँ, दोनों एक ही टॉपिक पे डिफरेंट व्यूज रखते हैं, तो उसको हेल्दी कैसे बनाए? तो फिर मेक सेंस, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, एक तो आप है गुड लिसनर हो। फर्स्ट, जितना जितना आप पर्सनैलिटी के करिश्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं शो हो सकते जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं बन रहे। फर्स्ट, सेकंड, इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉज। बहुत बहुत डीप बात है जिसमें समझ लेना, सीरियसली इंप्रेसिव पर्सनैलिटी बन रहा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉज इज, आपने किसी से बात सुनी और आपने इमीडिएट रिएक्शन दे दिया, दैट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। उसके लिए करना क्या है? ओके, अगर वो कुछ बोला, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और थ्रेडिंग, थ्रेडिंग होता है मींस आप उसको धागे की तरह उसको लंबा करो। ओके, और यार यू आर ग्रेट पॉइंट यार, क्या बात है क्या बात है, ओके ठीक है, ये दिस इज द वे। ओके, देन व्हाट यू नीड टू डू, अब उसका पॉइंट खत्म होती है, एक और गलती होता है, अपना व्यू शुरू। नो, ओके ओके यार, बट भी मत बोलो, पहले पॉज दो। और ये जो पॉज है ना, वो इतना कमाल का होता है ना, सीरियसली। आप इंटरव्यूज में से लेकर ये इंपॉर्टेंस ऑफ पॉज, ये बहुत लग रहा होगा छोटा, पर बहुत कमाल की चीज है ये, मेरी लाइफ में तो हुआ है। मैं कोई भी बात को एकदम से नेक्स्ट, मेरे को पता है इस पर क्या मेरे को अपना थॉट्स रखना है, बट मैं सुनता हूं, ओके, एंड देन एक पॉज देता हूं। अब ये पॉज है ना, ये पता है क्या होता है, तो उसके दिमाग में सामने लगता है क्या बोल रहा है यार, ये क्या बोल रहा है, ये जो कमाल है ना ये। अब आप देखना, अब उसके बाद आप ना बोलना स्टार्ट करो अपना व्यू कि ओके यार आई एग्री योर पॉइंट, बट एक चीज मैं भी यार ऐड करना चाहूंगा। इस तरह उसको नीचा दिखा के करोगे ना, अनहेल्दी चल जाएगी यार। उसको नीचा मत दिखाओ, उसके अपने यार, हम वैसे भी इंडिया में रहते हैं, सबको अपना अधिकार है बोलने का, राइट। सो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तू गलत है, राइट। हाँ ये बोलो यार, हो सकता है तू सही है, बट मेरा एक पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो तेरे से थोड़ा डिफरेंट है, जो तू क्यों बोल रहा है, राइट, जो आप बोल रहे हो उससे थोड़ा डिफरेंट है। और वो पॉइंट ये है कि मैं ये राय रखता हूँ, अब आप देखना, अगर आप इस तरह से करोगे और पॉज देने के बाद स्टार्ट करोगे, द मोमेंट आपने ये चीजें स्टार्ट की, आप देखना क्या कमाल का कन्वर्सेशन होगा। थोड़ी देर बाद वो आप ही के वे बोलने लग जाएगा। आप जरूरी नहीं हो बोले, राइट, इट्स ओके, बट पता है एक दिमाग में ना आपके लिए एक इंप्रेशन बन जाएगा यार, बंदे में कुछ बात है। एक होता है, आप कभी करके देखना एक्सरसाइज की, राइट, एक वो करे यार मोदी जी चुनाव निकले जीएसटी ये डिमोनेटाइजेशन ये, अरे नहीं यार अब क्योंकि आप बीजेपी के अंडर, लेट्स सपोज आपने स्टार्ट करने से उसको कट किया और स्टार्ट, अरे नहीं यार क्या बात कर रहा है, 10 साल बाद देखना बहुत असर होगा ये वो बला बला होगा, अरे उसकी अब आप उसको चेंज कर रहे हो भाई, उसका बिजनेस था जो डंप हो गया, आपके पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, आपको फर्क नहीं पड़ा, उसका बिजनेस गया गत्ते में, तो उसकी पॉकेट में पैसा नहीं है, तो उसके उसके अंदर से भाव आ रहा है, अरे उसकी कदर करो ना, पहले उसको सुनो, ठीक है यार इट्स ओके यार, ये है वो है जो भी है, बट यार एक बात है, को अपना उसको एक ऐसे एक्सप्लेन करें इस टॉपिक को, यार अपन अपनी फैमिली में भी कोई चीज़ करने लगते हैं और कुछ चीज़ें अपन चेंजेस करते हैं तो एक बार तो प्रॉब्लम आती है, तो यार शायद थोड़ी देर की प्रॉब्लम है, उसके बाद से शायद इन चीज़ों पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट आए,
अब इसी बात को मैंने इस तरह से बोला तो वो क्या कहेगा, हाँ यार। तो फिर एग्जाम्पल दिया है, सो बहुत कॉमनली जनमेंट बात है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे को इस बात पे लेकर, जो आपके अंदर तक घुस के आप ये बात समझ जाओगे कि कैसे, हाउ टू डू हेल्दी कॉन्वर्सेशन। इट्स ए अमेजिंग, कॉर्पोरेट में भी जाओगे वहाँ पे भी आपका, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, प्रमोशन और ये सब हार्डवर्क से तो बहुत कम आता है। सीरियसली हार्डवर्क से अगर प्रमोशन आने लग जाए या हार्डवर्क वाला सक्सेस हो जाए तो मजदूर जो होता है पत्थर तोड़ता है ना, सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है। मेक सेंस? तो कुछ और चीजें जो आपको सक्सेसफुल बनाती है, और उनमें से ये एक है कि आपको एक कम्युनिकेशन, अब आपका मैनेजर आपको कुछ बोल रहा है, आपने पहली बार तो मैनेजर को आपकी बोलने की हिम्मत नहीं होगी, पर आपकी पता है आप आते कल एक छोटी सी ये लेकिन आदत है, पता है मैं ना छोटी छोटी चीज़ें पकड़ता हूँ, पता है मत लिखना कुछ भी, बस ये दिमाग में बिठाते जाना। और एक और चीज़ क्या है, वो ये है कि जब जब आप कुछ अलग सोच रहे होते हो ना, जब जब आप कुछ अलग सोच रहे होते हो और आप बोल कुछ और रहे होते हो, आपके बीच क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स की एक बार ये वो है, मतलब अगर मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं समझ जाऊँगा कुछ और सोचता है और बहुत कुछ और है। सो आपको प्योर गुड लिसनर में ऐसे नहीं ना, हाँ, अब आप क्या सोच रहे हो, अभी रुक जाओ बेटा कुछ खत्म हो, मेरे को बोला था सडन लिसनर बनना है, तो पहले तो इस बात सुन लेता हूँ सारी, ऐसे मन में चल रहा है फिर मैं बोलता हूँ, अभी भी दिमाग में चल रहा है ना। एक्टिव लिसनर, ओके, ऐसे आई मेक एन आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट बहुत ही बड़ा, मतलब छोटी सी चीजें पर बहुत इम्पैक्ट आती है पर्सनैलिटी में, आई कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप सामने वाले अगर आप इरिटेट कर रहे हो, होता नहीं, इसका एक तरीका है, सबसे पहले कोई यार पहले ना एक कैरेक्टर को पहचानना सीखो, आइडेंटिफाई देख कर। अभी मान लो किसी को नॉलेज है, अब इनको मोदी को अभी क्या पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, और इनको इंटरेस्ट भी है, मैं इनसे बात ना करके मैं इनसे कह रहा हूँ, और इनको बिल्कुल नहीं, ये कहता सब बुलशिट है, एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं पॉलिटिक्स को, होते हैं ना ऐसे लोग, है ना। अब मैं आ रहा हूँ इनसे और मान लो इनको बिजनेस पे अब ये तो जॉब नहीं मिल रहा, ये कोई बुरा इस पर नहीं रखते। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ आया, अब ये मोदी ये तो पॉलिटिक्स पे नहीं बात करते हैं, ये अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, अब मैं इनसे बात क्या कर रहा हूँ, मोदी जी राइट, पर अब मैं इनके पास गया और इनसे बात कर रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ, बिजनेस के बारे में, यार क्यों कमा रहे हो यार, वैसे लाइफ हैंडसम है। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टर ऐसा है और उससे किस तरह की बात करनी है। आई कैन बैट कि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आप भगवान तो हो नहीं कि आपकी हर बात सबको अच्छी लगे, राइट, इमेज सेंस, प्रैक्टिकल लेवल पे जाते हैं, मैं बड़ी बात करूंगा ही, राइट, बिकॉज बड़ी बातों का कभी कुछ आंसर है, मतलब अभी मैं अभी टेक्निक की बात कर सकता हूँ आपसे कि इसको इस तरह से टेक्निक है, ये अल्टीमेटली होना क्या है वो पता है, लाइफ में काम हुई चीज आती है जो अभी मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब PPT में रह जाती है, राइट। सो मैं आपको जो बोल रहा हूँ, आइडेंटिफाई कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफाई दैट पर्सनैलिटी कि ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, इससे मैं क्या बात करूं जिससे ये इरिटेट ना हो। अभी होते हैं हर सबका एक बेसिक नेचर होता है यार, राइट, कई चल टाइप होते हैं, कई होते हैं जिनको हमेशा सीरियस बात करेंगे, अब तुम उल्टा कर दोगे तो इरिटेशन होगा और तुम्हारी दोनों से नहीं बनेगी, राइट। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टर कि क्या कैरेक्टर ऐसा है जिस कैरेक्टर से मैं क्या बात करूं जिससे वो इरिटेट ना हो, राइट। प्लस अगर आपको वास्तव में लगता है कि उससे मेरे को ये बात इसलिए करनी है बिकॉज वो मुझे नॉलेज दे सकता है, पर आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेट्स सपोज आप किसके साथ बैठे, आज मैंने आपको कहा कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जो सक्सेसफुल हो,
और आपने उनसे कुछ सीखने के लिए आपने कोई ऐसा टॉपिक छेड़ा तो ये छोड़ो, इनको क्या बताने हैं ऐसा हो सकता है। ओके, सो अगर आपको बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको पहले एक लाइन बोलनी पड़ेगी कि देखो मैं ना आपसे सीखने के लिए आई हूँ, मैं आपसे सीखने आया हूँ, प्लीज मेरे लिए टाइम निकाल के आप मुझे सिखाओ। और आप डायरेक्ट आप कुछ बात बोलने लग जाओगे तो इरिटेट मतलब हमारा मान लो बिजी है, तो ये बड़े लेवल की बात ये है कि अगर आप बड़े लोगों के साथ बैठो तो इस तरह से स्टार्ट करो कॉन्वर्सेशन। अगर आप बराबर के लोगों के साथ तो पहले ये ध्यान देखो आपके राइट वाला कैरेक्टर क्या है, लेफ्ट वाला कैरेक्टर क्या है, तो राइट वाले से लेफ्ट की बात मत करो, लेफ्ट वाले से राइट की बात मत करो, सेम आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स एंड देन स्टार्ट टॉकिंग, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। सीरियसली बोलेंगे ना।